सर मेरे बच्चों ने बड़े प्राउड से बोला कि मेरे मम्मी तो महाराष्ट्र गए और मोदी जी से मिलने गए। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जहां देश भर से महिलाएं सम्मेलन में पहुंची। पीएम मोदी ने लखपति दीदी महिलाओं से संवाद भी किया। महिलाएं बहुत उत्साह के साथ पीएम मोदी को अपनी लखपति बनने की कहानी सुना रही थी। इन्हीं कहानियों के बीच एक कहानी ने सबका दिल छू लिया, जिसे सुनकर पीएम मोदी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए और खिलखिलाकर हंस दिए। दरअसल हुआ यूं कि एक महिला जब अपनी कहानी को सुनाने लगी, उसने अपनी बच्ची का जिक्र किया। उसने बताया, जब उसकी छोटी बच्ची से स्कूल में पूछा गया कि उसकी मम्मी कहाँ गई है, तो उसकी बच्ची ने बड़े ही गर्व के साथ बताया कि उसकी मम्मी महाराष्ट्र मोदी से मिलने गई है। महिला के इतना कहते ही आप वीडियो में देख सकते हैं कि पीएम मोदी के साथ वहां मौजूद सभी महिलाएं भी खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। छोटे शहरों से आने वाली महिलाएं, जिन्होंने खुद के पैरों पर खड़े होकर इस योजना से खुद का काम खड़ा किया और उसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए गर्व का पल है। पीएम मोदी के साथ कुछ सेकंड का ये पल महिलाओं और उनके परिवार के लिए कितना गौरवशाली और उत्साहपूर्ण है, ये वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकती हैं। महिलाओं की बातें और उनके चेहरे के भाव से उनकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार के लखपति दीदी की ये योजना महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की योजना है, जिसका उद्देश्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना है, जिसमें से 1 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिल चुका है। आगे भी इस योजना को देश भर की महिलाओं तक पहुंचाने का भारत सरकार का उद्देश्य है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।